अल्लाह तबारक व तआला के जो बरगसीदा और नेक बंदे होते हैं वो क़ियामुल्लैल की पाबंदी करते हैं, तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हैं। हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल्लैल, कि ए ईमान वालो, तुम अपने ऊपर रात की नमाज को लाजिम कर लो, तहज्जुद की नमाज को लाजिम कर लो। फइन्नहु दअबु सालिहीन क़ब्लकुम, क्योंकि ये तुमसे पहले सालिहीन का तरीका रहा है, ये सालिहीन की नमाज है, ये अल्लाह के नेक बंदों की नमाज है, ये मुकर्रबीन की नमाज है। और फिर फरमाया, वहुवा क़ुर्बतुल लकुम इला रब्बिकुम, और ये नमाज तुम्हारे लिए क़ुर्ब इलाही का जरिया है। अगर चाहते हो कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करूं, चाहते हो कि मैं अल्लाह के करीब हो जाऊं, तो तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करो, तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करो। रब का क़ुर्ब चाहते हो, तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर लो। और फिर फरमाया, व मग़फ़रतुन लिस्सय्यिआत, ये नमाज ऐसी नमाज है कि ये गुनाहों को मिटाने वाली नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को धो लेंगे। जिसे सफ़ेद कपड़े को धोया जाता है, सफ़ेद कपड़े से मैल दूर की जाती है। फरमाया, व मग़फ़रतुन लिस्सय्यिआत, ये नमाज भी गुनाहों को मिटाने वाली है, ख़त्म करने वाली है। व मन्हातुन अनिल इस्म, और ये नमाज गुनाहों से रोकने वाली भी है कि इंसान इस नमाज का एहतमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ कर देंगे। और इस नमाज का एहतमाम करने वाला वो खुद ब खुद गुनाहों से रुकने वाला बन जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत है इस नमाज की कि हम क़ियामुल्लैल का, इस तहज्जुद की नमाज का जरूर एहतिमाम करें। एक रिवायत के अंदर हजरत अस्मा बिन्त यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ियामत के दिन जब अल्लाह तबारक व तआला सब लोगों को, दुनिया के सारे इंसानों को एक वसी और हमवार मैदान में जमा करेंगे, तो फिर अल्लाह का मुनादी पुकारेगा। उस वक्त जब सब इंसान जमा किए जाएंगे, अल्लाह का मुनादी पुकारेगा। क्या पुकारेगा? अयनल्लज़ी कानत ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, के कहाँ हैं वो बंदे जिनके पहलू रातों को बिस्तरों से अलग होते थे। ये क़ियामत के दिन ऐलान होगा, कहाँ हैं मेरे वो बंदे जिनके पहलू रातों को बिस्तरों से अलग रहते थे। बस इस पुकार पर फयकूमून वहुम कलील, खड़े हो जाएंगे लोग, फिर लेकिन फरमाया वहुम कलील, ये लोग बहुत कम होंगे, तादाद के लिहाज से कम होंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से इनके लिए ऐलान होगा। फयदखुलून अलजन्नत बिगैर हिसाब, कि इन लोग, ये लोग जो तहज्जुद का एहतमाम करने वाले थे, इन्हें दाखिल किया जाए जन्नत में बगैर हिसाब के। यानी इसके बाद हुक्म होगा तमाम लोगों को कि वो हिसाब के लिए अब हाजिर हो। सिर्फ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले लोग वो होंगे जिन्हें अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेंगे।